हेलो गाइस, मेरा नाम है शुजांग बेलवाल और आज की गाइस इस वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने गांव नैनीताल और काफ़ी दिनों के बाद जो है एक लंबी ट्रैवलिंग वीडियो बन रही है क्योंकि मेरा गांव आना जाना नहीं हो रहा था। तो अभी हम घर से जो निकले हैं वो 6 बज रहे हैं और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब जो है 1 से 1.5 किलोमीटर वो हो गया। आज की वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी आपको अलग लगेगी क्योंकि एक दूसरे फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने फ़ोन से नहीं बना रहा हूँ, तो बताना गाइस कैसा है। बाकी अभी मौसम जो है दिल्ली का काफ़ी बरसात वाला हो गया, लग रहा है बारिश होगी। बाकी आज का जो दिन है वो है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अलग अलग पार्ट से इंडिया के, तो आपको सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बस इसी तरीके से अपने इस ट्रैवलिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। CNG मैंने फुल भरवा रखी है गाड़ी के अंदर और अभी थोड़ा सा पेट्रोल पे चल रहा हूँ ताकि इंजन थोड़ा सा थोड़ा इंजेक्टर गीले हो जाए। बाकी पहली रेड लाइट ही हमें रेड मिल गई तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्लीपी से हो रहे हैं बाकी सारे लोग, बाकी पूरी फैमिली, अभी हम 4 लोग और जा रहे हैं और हमारे कान्हा जी भी हैं हमारे साथ, तो 5th मेंबर जो हैं वो भी हैं हमारे साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहते हैं और थोड़ा सा रास्ता क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब एम्स का रास्ता जो है वो हमने पार कर दिया और 15-20 मिनट ही लगे, 15-20 मिनट में 15 किलोमीटर हमने जो है कवर कर दिया गाइज और रास्ता साफ मिल रहा है। 15 अगस्त है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है जाम ना मिले, लेकिन हाँ जगह जगह पे हमें पुलिस के बैरिकेटर्स मिल रहे हैं देखने को। बाकी अभी देखना यह है कि आगे हाईवे पर क्या हालात हैं। बाकी अभी तो सही है, मौसम भी 7-13 है, लेकिन मौसम के अंदर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी थोड़ी नमी देखने को मिल रही है और बारिश के आसार हैं। हो सकता है जाके यूपी में हमें बारिश मिल जाए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। तो हमने बस वही अपना भजन चलाए और अपने अब धीरे धीरे रास्ता कवर करने लग गए। इस रास्ते के बाद सरायकाले खां से हम कट लेंगे, CNG हमें कहीं भरवानी नहीं है तो ऑल सेट है वह मामला। और अक्षरधाम के सामने वाला हाईवे जो है NH9 से निकलेंगे और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिए क्योंकि काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो है हमारी वीडियो रहेगी। और आज इसमें गाइस मैं CNG का एवरेज भी पता कर लूँगा क्योंकि अभी मैंने 17 किलोमीटर चल गई है, तो 15 किलोमीटर आप मान सकते हैं CNG पे चली हुई है ये, क्योंकि 2 किलोमीटर पर ही मैंने जो है CNG पे लगा दी थी गाड़ी 2 किलोमीटर पेट्रोल पर चलाने के बाद। और जो CNG मैंने भरवाई है उसके बाद मैंने CNG पे भरवाने के बाद इसे पेट्रोल पे घर ले आया था, तो उसका एवरेज भी आज पता कर लेंगे कि कितना एवरेज आने वाला है और साइड बाय साइड हम अपने रास्ते को भी कवर करेंगे। तो गाइज वीडियो में बने रहिए। तो गाइज अब हम हाईवे पे चढ़ गए हैं और दिल्ली काफ़ी हद तक पार हो गई है और यहाँ पर हम यमुना जी को पार करके हाईवे पर लग रहे हैं जो कि है NH9। और यहाँ पर है बाइक, बैलगाड़ी और साइकिल की एंट्री निषेध और अभी वहाँ बाइक जा रही है खैर, लेकिन हाईवे पे फास्ट मूविंग व्हीकल अलाउड होना चाहिए और बाइक एक फास्ट मूविंग व्हीकल है। तो गाइज अभी हम इस हाईवे पे चढ़ गए हैं और अब इसी हाईवे पे हमें चलना है कम से कम 2-3 घंटे और अपनी एक अच्छी स्पीड और पेस निकाल के निकलते हैं यहाँ से। बाकी गाइज अब थोड़ा सा आप मजे लीजिए कुछ शॉट्स के। अभी एकदम से आपने टाइम लैप्स खत्म होते ही देखा हो कि एकदम से धुंध आ गई, अब देख सकता हूँ पूरे एरिया में धुंध सी फैल रखी है कि ऐसा लग रहा है ऐसे कोहरे में चल रहे हैं हम और इतनी अजीब सी धुंध सी देखने को मिल रही है। तो गाइस वो पता है रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ इतनी फैक्ट्रीज खुली हुई हैं नोएडा गाज़ियाबाद में, उनका जो धुआं है वो रात भर काम करती हैं, वो दिन भर काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, उसका धुआं इकट्ठा हो जाता है और अब एकदम से गायब हुआ, मतलब पैच बाय पैच आपको इतना धुआं देखने को मिलेगा कि लगेगा भाई कितना कोहरा कैसे बरस सकता है, ऐसा फील हो रहा था। बाकी अभी हमें तो पीछे देख के ये लग रहा था कहीं बारिश तो नहीं आ रही कहीं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है, कोई धूप के आसार है नहीं।
तो उस वजह से बाकी यहाँ पर ये इतना बड़ा कूड़ादान है तो ये इस कूड़े में भी आग लगी रहती है, तो पॉल्यूशन तो बहुत है नोएडा में। मेरे ख्याल से इस एरिया को देखा जाए तो इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है पॉल्यूशन का, तो कहीं ना कहीं दिल्ली से ज़्यादा ही है। बाकी गाइस अभी तो हम चल ही रहे हैं, हमारा रास्ता अभी जो है 30 किलोमीटर हमने कवर करें, 7:30 बज रहे हैं, 6:45, और फिर उसके बाद अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, तो एक घंटा होने के बाद देखते हैं हम कितने टाइम पे कहाँ पहुँचते हैं। तो गाइस वीडियो में बहुत अच्छे से बने रहिए, और हमारी CNG के बार्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमें CNG वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस यही है, थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया, बारिश भी आई और ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी ये धुआं होने का रीज़न ये है, ये सारी फैक्ट्रीज इतना ब्लैकआउट कर रखा है भाई यहाँ पे, ये देखिए आप ये सारा धुआं है, ये ऊपर आपको बादल लग रहा होगा लेकिन गाइस धुआं है और लिटरली ये सब देखो यहाँ पर इतना धुआं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ अफेक्ट तो करती है एनवायरनमेंट को। और मौसम देखिए आप कितना चेंज कर रखा है, आज वैसे भी मौसम थोड़ा डाउन है, धूप नहीं है, लेकिन इस बादलों इन्होंने इस पॉल्यूशन ने ना एक लेयर ऐसी बना दी कि लग रहा है और ज़्यादा मतलब डेंस हो रहा है माहौल, इतना डेंस है नहीं वैसे, खुला हुआ है मौसम, लेकिन आप इस तरफ को देखिए भाई मतलब किस तरीके से हालात कितने ख़राब, गवर्नमेंट हमारी कुछ कर नहीं रही इस चीज़ में, लोगों के लिए लाइफ स्पैन जो है लोगों का वो कितना कम हो जाएगा इतने पॉल्यूशन में। और अब बरसात हो गई, और अब बरसात में वैसे भी पॉल्यूशन दबता है लेकिन आप ये समझिए कि बरसात के बाद जब सर्दियाँ आएंगी तो ये पॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पे होगा और ये डबल ट्रिपल एस्थमेटिक लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। हमें ही कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेने होंगे, प्लांट मोर ट्रीज गाइस, और अपने घर के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनकी काफ़ी केयर करें। बाकी बारिश गाइस स्टार्ट हो गई है अभी, और हम चले हैं 45 किलोमीटर हाईवे पे चल गए हैं, रोड भीगी भी नहीं है लेकिन हल्की हल्की बारिश देखने को मिल जा रही है। गाइस वीडियो में बने रहिएगा और हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पे। गाइस एकदम से बारिश जो तेज हुई है, देखो आगे आगे और तेज मिलेगी, एकदम से जो बारिश तेज हुई है ना गाइस, बारिश तेज हुई फिर कम हो रही है, तेज हुई ऐसे ही है भाई, यहाँ दूर से ही दिख गया था हाईवे पे कि यहाँ बारिश तेज हो रही है। रुक गई, मजाक सा चल रहा है ये गाइस, यहाँ पे बूंदिया देखिए आप, चढ़ चढ़ के ऊपर आ रही है बूंदे, मौसम अच्छा होता जा रहा है गाइस, चला रहे हैं गाड़ी और 15 अगस्त का टाइम निकले और राइडर्स ना मिले तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो राइडर्स मिल रहे हैं, ये 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे राइड कर रहे हैं लोग, और बुलेट्स हैं, नॉर्मल बाइक्स हैं, स्टैंडर्ड बाइक्स भी हैं, इलेक्ट्रा सारी, रॉयल इनफील्ड का ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, हो सकता है कि ये रॉयल इनफील्ड ही करा रहा हो क्योंकि थंडर बर्ड्स ये सारी है, तो शायद रॉयल इनफील्ड ही करा रहा है ये, क्योंकि सारी रॉयल इनफील्ड ही है। हाँ, नई वाली हिमालयन भी मिलेगी देखने को, ये री और ये थंडरबर्ड, ये नई वाली हिमालयन, ये मीटियोर 650 दो जा रही है, वो भी 650 जा रही है भाई, अच्छी लग रही है, और ये भाई सबसे आगे जा रहे हैं भाई। हिमालयन तो बिल्कुल नॉर्मल बाइक लगती है अब देखने में, पहले बहुत अच्छी खासी बल्की लगती थी, ऐसा लग रहा था एक्सट्रीम जा रही है, ये जा रही है हंटर लेके जा रहा है वो, तो ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है। बाकी आज अमरिक सुखदेव में भी काफ़ी भीड़ मिलेगी इस चक्कर में, राइडर्स आते हैं काफ़ी। गाइज मैंने फास्टैग पर रिचार्ज कर लिया, और गाइज 15 अगस्त का दिन है और भीड़ अब स्टार्ट हो गई है देखनी, पहला टोल है हमारा ये 6000 वाला और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, सारी लेन्स भर के चल रही हैं और ट्रैफिक जो है रुका हुआ सा है,
तो यहाँ पर कम से कम आधा पौन घंटा मुझे लग रहा है जहाँ तक लग जाएगा, और यही जो चीज़ें हैं हमारे 5 घंटे के ट्रिप को 6-7 घंटे तक बढ़ा देती है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब जाके पहुँचते हैं। बाकी मौसम अच्छा है, मौसम के अंदर कोई भी गर्माहट नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ मौसम के अंदर बारिश ना हो, मौसम ऐसा ही बना रहे ना तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी तरफ जा सकते हो, हल्का हल्का जाम भी मिल जाए तो भी वो हो जाएगा। गाइस टोल में आप फंसे हुए हैं हम, और हुआ ये कि जो टोल है वहाँ पर हम गलत लाइन में थे, भाई ने वो लाइन ही हटा दी, सही करा, वो जो बैरिकेटर था वही हटा दिया सामने भाई ने, सही किया यार। तो हम गलत लाइन में नहीं थे, हम लाइन में जो लगे हुए थे, लेकिन ये लाइन किसी फास्टैग में नहीं जा रही थी, तो बीच में अब लग रहे हैं तो बीच में लगने के लिए कोई लगा नहीं रहा, सब वैसे भिड़ा भिड़ा के चल रहे हैं, यहाँ पे ये गाड़ी वाला है, यहाँ पर ये गाड़ी वाला है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अब 100 किलोमीटर एग्जैक्ट कम्प्लीट हो गए हैं, और अब यहाँ पता नहीं किस बात का जाम मिल रहा है भाई, एकदम से ट्रैफिक स्लो हो गया, और अभी मैं 100 पे क्रूज करता हुआ आ रहा था, शायद कोई छोटी टमाटर की दुर्घटना हुई है यहाँ पे, टमाटर का ट्रक व्रक होगा, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मामला टाइट है, नुकसान हो गया भाई, बहुत बहुत नुकसान है भाई ये तो। वैसे 2 रुपए कम नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन ये है कि चलो जितना समट जाए सामान उतना बढ़िया, ट्रे गिर गई, हाँ कोई चीज गिर गई है तो उसको फिर समेटने के लिए टमाटरों को गाइस दूसरे टेम्पो आए हुए, तो दुर्घटना से देर भली भाई, थोड़ा धीरे चलाओ वो बेटर है। बाकी गाइस अभी जो है हम गढ़गंगा की तरफ पहुंचने वाले हैं, और गढ़गंगा का टोल किसी भी टाइम आता होगा, और फिर उसके बाद गजरौला में कुछ खाएंगे पियेंगे बढ़िया, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, और फिर वहाँ से हमारे पापा जी ड्राइव करेंगे गाड़ी। गाइज अभी जो है गढ़ आने में टाइम है, और गजरौला आने में भी टाइम है, 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 110 किलोमीटर में गाड़ी ने CNG आधी कर ली है, आधी CNG गाड़ी के अंदर अभी तक हुई है, और अभी देखते हैं कब तक जाए ख़त्म होती है, तो अभी और चलना है, धूप सा मौसम आ गया है, थोड़ा सा धूप वाला मौसम है, साफ है सड़क, सबसे अच्छी बात जाम नहीं है। तो गाइस ब्रज घाट अब हम पहुंच गए हैं, और ये देखिए आप गंगा जी के दर्शन करने के लिए जाए, काफ़ी भर के चल रही हैं गंगा रिवर बहुत ज़्यादा, और पीछे टोल में काफ़ी टाइम लग गया भाई, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1 घंटा पौन घंटे करीब जो है वेस्ट हो गए हमारे, अब इस टाइम को रिकवर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे जाम ही मिलेगा, अगर यही जो है खुला मिलता सब कुछ तो बढ़िया रहता। बाकी गाइस चल ही रहे हैं यहाँ पे, अब धीरे धीरे चल के देखना पड़ेगा अब कितना टाइम में जाके पहुँचते हैं। तो गाइस स्टे कनेक्टेड। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ पीछे, और पापा जी ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा आगे तक ड्राइव करेंगे CNG पंप तक, और उसके आगे भी ड्राइव कर लेंगे, लेकिन CNG पंप पे हम जाके देखेंगे अपना एवरेज। बाकी अभी जो है कुछ इस तरीके का है हिसाब किताब, खाना खा लिया, बेस्ट तरीके से खाना खा के अपना आराम से निकल गए हैं अब हम, और मैं यहाँ से आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, पीछे बैठने के बाद थोड़ा देर मैं भी हो सकता है आँख लगा लूँ। बाकी यहाँ गजरौला से निकल गए हैं, यहाँ से गजरौला में हम जहाँ खाना खाते हैं वहाँ से हाईवे से उतरना पड़ता है, इसलिए ये सिस्टम है, इसलिए हम साइड से चल रहे हैं, अभी हाईवे ऊपर है, हाईवे पर चढ़ जाएंगे अभी, CNG भरवा रहे थे हम यहाँ चलते चलते, एक अच्छा CNG पंप मिल गया है टोरेंट का अपने ही हाथ में, प्रेशर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ CNG भरवाते हैं, वो कितने डलती है ये दिखाता हूँ, कितने किलोमीटर गाड़ी चली ये बताता हूँ आपको, गाड़ी अभी टोटल चली कितनी है, 165 किलोमीटर जो है गाड़ी चली है, और हमने CNG डलवा ली इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कितने किलो CNG गाड़ी में डली है, तो वो डला है 4.84 किलोमीटर, ठीक है गाइस, अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 165
डिवाइडेड बाय 4.84। 34 का एवरेज दिया गया इस गाड़ी ने, 34 का, जो कि कंपनी क्लेम करती है। अब ये अगर मैं बहुत प्यार से चलाता ना गाड़ी तो ये आराम से 40-42 आता है एसी में, लेकिन गाइस गाड़ी चली थी हमारी 100-110 की स्पीड पे, तो 110-115 ऐसी चला रखते हुए आ रहा था। अब ये पापा थोड़ा स्लो चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन मैं तो 110 ऐसी खींचता वाला आ रहा था गाड़ी। तो जब आप वैगनर को खींचते हो तो भी इसका एवरेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, कंपनी जितना क्लेम करती है उतना एवरेज ये गाड़ी आराम से देती है पर किलो। बाकी गाइज अभी अपना रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, रास्ता ख़त्म होते ही मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि कितनी कार की क्या कंडीशन रही। तो गाइज अब चलते चलते हमने काशीपुर अब जो है अब हम पहुँच गए हैं, और रास्ते में बहुत सारी जगहें आए जो कि मैंने काफ़ी सारी स्किप करी, ये नहीं दिखाता हूँ, चलो सेम ही रास्ता है। तो कम से कम 70-80 किलोमीटर पापा ने गाड़ी चलाई हमारे, मतलब ज़्यादा ही चलाई, 100-150 किलोमीटर के करीब। और अब थोड़ी देर के लिए मैंने ले ली, अब घर तक मैं चला लूँगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। काशीपुर हम आ गए हैं गाइज, काशीपुर से घर है अपना पूरा 30-32 किलोमीटर, तो ये अब काशीपुर से हम चल लेंगे। बाकी अब ये एंट्री हुई है डायरेक्ट काशीपुर में, और जैसे कि यहाँ का नॉर्मल ही है कि यहाँ पर जाम लगा रहता है, तो यहाँ जाम है तो फिर यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा 253 किलोमीटर हमने गाड़ी अभी तक चला दी है, और चलते चलते हो गए हैं हमें 5.5 घंटे, क्यों इतने टाइम पे हम खैर पहुँच जाते हैं, लेकिन इतने टाइम पे अभी तक हम सिर्फ काशीपुर पहुँचे हैं। उसका रीज़न ये है कि रास्ते में जाम बहुत मिला, टोल पे फाटक थे लगे हुए, और टोल पे दोनों टोलों पे बहुत टाइम लगा, 1.5 घंटा लग गया, जहाँ पर सिर्फ 5-5 मिनट का काम था, तो उस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और फिर एक जगह हमने खाया भी, उसमें भी 1.5 घंटा लग गया। तो गाइस वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी हम पहुँचने में थोड़ा सा और टाइम। काशीपुर हमने कर दिया है पार यहाँ पे, और अब 20 किलोमीटर के करीब हमें चलना है जो कि आएगा रामनगर। धूप अच्छी खासी तेज़ हो गई है रामनगर में, मुझे शेड्स लगाने पड़े हैं दोनों तरफ से क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो शेड्स लगा के ठंडी हो गई एकदम से कार। और यहाँ पर शेड्स लगाने पे कोई भी भाई चालान नहीं है, तो बस ये जगह जगह की बात है। बाकी गाइज गर्म तो हो रहा है यहाँ पर माहौल, दिल्ली के अंदर जितनी सर्दी जितना ठंडा हो रहा था उतना यहाँ पे गर्म है। दिल्ली के अंदर बारिश का माहौल था, लेकिन यहाँ पे कोई भी हिसाब बारिश का देखने को नहीं मिल रहा है। भाई गाइस चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और कुछ दिन बिताते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, तो अब हम रामनगर के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये जो है मेरा घर का रास्ता है। रामनगर थोड़ा सा अलग रहे और मेरा घर थोड़ा सा अलग है, तो इसमें ये है कि ये रास्ता जो आ रहा है वो अंदर रूट में जा रहा है जिम कॉर्बेट पार्क के, और मैं ये जो है ढेला रोड है, यहाँ ही है मेरा घर। तो इसका मतलब है कि घर आ गया है और वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। तो गाइस 282 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली, बहुत ज़्यादा किलोमीटर आई है, और अभी भी 2-3 किलोमीटर घर रह रहा है। वीडियो पहले एंड कर रहा हूँ मैं, आधी टैंक हमारी CNG बची है। तो हमने जब दिल्ली से भरवाई थी CNG वो थी 500 रुपये की, और 500 भी नहीं 450 रुपये की, और 450 रुपये की CNG दोबारा भरवाई थी वही 480 रुपये की करीब। तो उसमें से भी अभी आधे टैंक बची है, तो मतलब 250 रुपये की CNG भरी बची हुई है, 200 रुपये की CNG। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने 280 किलोमीटर्स कवर करे सिर्फ 600 रुपये की CNG में, लमसम 600-650। तो ये वही 2.5 से 3 रुपये के बीच में पर किलोमीटर बैठ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसेबल है एक ट्रैवलिंग करने के लिए। ठीक है, अब आधी CNG है, आधी CNG में हम आराम से मुरादाबाद तक पहुंच जाएंगे जाते हुए, और अगर कहीं यहीं मनोवर करना पड़ा रामनगर में तो फिर हम आराम से इसी CNG में कर लेंगे। बाकी एवरेज वाइज आपको पता ही है गाइस 35-40 का एवरेज छोड़ती है वैगनर बहुत अच्छे से, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम 4 लोग 5 लोग हैं कान्हा जी को मिला के, तो हम एक साथ मतलब कंफर्टेबल होके कोई दिक्कत नहीं आई, और गाड़ी खूब तेज चली है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं धीरे चल रही है, 100-110 ही चली है गाड़ी, खींची है गाड़ी खूब, उसके बावजूद भी ना कोई दिक्कत नहीं आती। मारुति की गाड़ियाँ रेव हैप्पी इंजन होता है, मतलब इनको खींचो तो ये खुश रहते हैं, हुंडई की तरह नहीं कि धीरे धीरे इनकी RPM उठती है जस्ट लाइक ग्रैंड आइटन या i20, लेकिन हाँ मारुति के इंजन भगते हैं भाई। बाकी
अच्छी लगी तो वीडियो गाइस ये प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैगनार से ट्रैवलिंग व्लॉग्स और लाता रहूँगा मैं, और आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।